सोलन की कसौली में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कार्रवाई में होटल में बने अवैध निर्माणों को तोड़ने का काम चल रहा है और ठेकेदारों से अवैध भवनों को तुड़वाया जा रहा है। ठेकेदारों को तहसीमा दे दी गई है। तहसीमा होने की वजह से ठेकेदार जल्दबाजी में हाथ से नहीं बल्कि जेसीबी मशीनों से होटलों को तोड़ रहे हैं। यही वजह है कि होटलों का अवैध निर्माण तो टूट ही रहा है लेकिन जेसीबी मशीनों की चपेट में उनके वैध निर्माण भी आ गए हैं। जहां होटल व्यवसायियों का घर था उसमें बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं जिनमें रहना बिल्कुल असुरक्षित हो चुका है, जिसकी वजह से होटल व्यवसायियों ने सड़कों पर शरण ली हुई है। चार पीढ़ियों से होटल व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों ने रोते विलखते अपनी व्यथा मीडिया से साझा की और बताया कि जिला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार उनके होटलों में हुए अवैध निर्माण को गिराने का काम कर रहा है, लेकिन अवैध निर्माण को तोड़ते तोड़ते उन्होंने उनका वैध निर्माण भी गिरने की कगार पर आ चुका है, जिसमें रहना कतई महफूज नहीं है, जिसके चलते उनका पूरा परिवार सड़क पर आ चुका है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके होटल के साथ साथ उनके बेटे का भवन भी था, उसे भी जबरन तोड़ दिया गया है। वहीं परिवार की महिलाओं ने कहा कि जब उनका भवन अवैध रूप से बनाया जा रहा था तब जिला प्रशासन आंखें मूंदे क्यों देख रहा था। अब तो पाइन होटल का नाम ही रह गया, जो मेरे बेटे का था वो भी खत्म कर दिया। अब जो मेरे रहने के लिए मेरा घर था उन्होंने वो भी खत्म कर दिया और मुझे सड़क में ले आके बिठा दिया उन्होंने। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे बताओ आप। मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, मेरा साथ किसी नहीं, डिपार्टमेंट ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं तो यही प्रार्थना करती कि मेरा कुछ अब ठिकाना बनाया जाए, ठिकाना दिया जाए। मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ रहूँ अपने बच्चे लेके, मेरी यही प्रार्थना। और मैं कुछ नहीं बोल सकती इसके आगे। हमारी यहाँ पर चौथी पुश्त हमारी यहाँ पर इस टाइम रह रही है, लेकिन इन्होंने जो है हमारा जो लीगल पोर्शन है जो बस्ता था वो भी तोड़ दिया, जिसमें कि इतना बड़ा नुकसान 10,000 वर्ग मीटर एरिया जो है इन्होंने यहाँ डेमोलिश किया है। इस टाइम हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और ये सबको रिक्वेस्ट करके, जितने अधिकारी हैं सबको ये बोल के कम से कम हमारा जो लीगल पोर्शन है वो बचा दो। उसके ऊपर जेसीबी चढ़ा दी उसके ऊपर और सारा मकान हिला दिया और जिसमें सारे लेंटर वगैरह में, जो कि इनको सबको मैंने बता दिया है जी, सब में क्रैक्स वगैरह आ गए हैं। इस टाइम सड़क पर बैठे जी हम लोग। होटल पाइन्यू के साथ वाली जो बिल्डिंग थी वो मेरी थी। होटल पाइन्यू से मेरी बिल्डिंग को कोई लेना देना नहीं था, मगर वो भी तोड़ी गई। और जब मैंने बिल्डिंग खरीदी थी उस पर मकान बना हुआ था जो लीला शाह मैडम को भी पता था, मगर सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए उन्होंने ये एक्शन लिया तोड़ने का, डिमोलिश करने का। सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।